राजधानी रायपुर में पैर पसारते भिक्षा व्रती को रोकने के लिए टीम गठित की गई है। बाल सुरक्षा और विकास अधिकारी ने बताया कि रायपुर में 6-6 सदस्य तीन टीम का गठन किया गया है। टीम में महिला बाल विकास, चाइल्ड लाइन, बचपन बचाओ आंदोलन, आवास और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान भिक्षा व्रती करते पकड़े गए लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। अगर वो दूसरे राज्यों से हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें उनके राज्य भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बाल श्रम पखवाड़ा के दौरान 10 बालक बाल श्रम, 2 महिला एवं 2 बालक भिक्षावृत्ति करते पकड़े गए थे, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। 10 मामले हमें बाल श्रम के प्राप्त हुए हैं, जो अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा क्षेत्र के था और एक मामला शहर के भीतर का था। तो हम उन सभी प्रकरणों पर बच्चों के पुनर्वास, बच्चों के न्यूनतम मजदूरी और श्रम विभाग की तरफ से वैधानिक कार्रवाई हेतु पत्राचार कर। अशोकनगर के पिपराई गांव में भारी बारिश की वजह